दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। बीते 14 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक खबर निकलकर सामने आई थी कि लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था आमिर। लोगों ने पकड़कर कूटा और कर दिया पुलिस के हवाले। ये घटना गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी चौकी की थी। बताते चलें कि खुशी जूस एंड शेक के मालिक आमिर का कहना था कि इलाके में कहीं पेशाब करने की जगह नहीं थी और उसने दुकान के बाहर पीछे की ओर एक कैन रख दी थी। पेशाब आने पर वह उसमें पेशाब कर उसे नाले में फेंक देता था, परंतु समाज के कुछ गेरुआ टोले के खटमलों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए जूस वाले को बुरी तरह पीटा, क्योंकि जूस वाला एक मुसलमान था। और मीडिया ने भी इस मामले में खूब हवा दी और अपनी जिम्मेदारी से अलग हटकर गोदी मीडिया का प्रमाण देते हुए दलाली भरे अंदाज में खबरें बनाई कि यूपी में पेशाब कांड, अब आमिर के घर चलेगा बुलडोजर। थूक के बाद अब मूत्र जिहाद, मचा बवाल, जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया, योगी की पुलिस ने उठाया, जहन्नुम पहुंचाया। जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था आमिर खान, लोगों ने कूटा। जूस में पेशाब मिलाकर बेचता था आमिर, वीडियो देखकर हैरान। जूस में पेशाब, योगी का तगड़ा इंतकाम। जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था आमिर, हिंदू जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था आमिर। जूस में मिलाता था पेशाब, खुशी जूस स्टॉल में आमिर की करतूत। पेशाब वाला जूस बेच रहे थे सैफ आमिर, लोगों ने अनोखे अंदाज में सिखाया सबक। और जूस में मूत्र मिलाने वाले आमिर का क्या हो, हिंदुओं ने बता दिया, वगैरह वगैरह। गोदी मीडिया ने काफ़ी समय तक इस खबर को प्रमुखता दी और खूब मुस्लिम समाज को बदनाम किया, परंतु आज इनकी नानी मर गई जो पिछले 8 सालों से खाने में मूत्र मिलाकर एक परिवार को खिला रही थी, जिसका नाम लेने से मीडिया और धर्म के ठेकेदार कतरा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। ये घटना भी रामराज वाले डबल इंजन सरकार के गाजियाबाद की है, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की है, जहाँ पिछले 8 सालों से रीना देवी नामक एक नौकरानी खाने में पेशाब मिलाकर परिवार के सदस्यों को खिलाती रही, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस पर ना तो किसी गोदी मीडिया ने नौकरानी का नाम बताया और ना ही योगी जी से बुलडोजर की मांग की और ना ही किसी गेरुआ टोले ने कोई टिप्पणी की और ना ही कोई सबक सिखाया। किसी ने नहीं कहा कि रीना देवी पिछले 8 वर्षों से कर रही थी मूत्र जिहाद। 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक। आपको बताते चले कि गाजियाबाद में एक नौकरानी जिसका नाम रीना देवी है, इस के ऐसे घिनौने करतूत का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। रीना देवी नामक नौकरानी परिवार को मूत्र से आटा गूंथकर रोटी बनाकर खिला रही थी, जिसके कारण परिवार के लोग बीमार हो गए। काफी इलाज कराने पर जब ठीक नहीं हुए तब उन्होंने अपने रसोई घर का वीडियो बनाया, तब जाकर नौकरानी रीना देवी की करतूत सामने आई और वीडियो देख सभी सदमे में आ गए। परिवार के सदस्यों ने वीडियो देखकर जाना कि पिछले 8 वर्षों से वे पेशाब में बना खाना खा रहे थे। आपको बताते चलें कि ये मामला गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की एक सोसाइटी निवासी रियल एस्टेट व्यापारी के घर की है। पीड़ित परिवार ने घटना की पूरी जानकारी बार रसोई घर का वीडियो पुलिस को दिया। पुलिस ने नौकरानी रीना देवी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए, परंतु इस खबर में आरोपी के नाम व धर्म पर मीडिया खामोश है। साथ ही वो सब भी खामोश हैं जो एक धर्म विशेष को
टारगेट बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।